में कांग्रेस सब कमेटी की बैठक जारी है। दिल्ली के हिमाचल भवन में ये बैठक हो रही है। पेंडिंग सीटों पर सब कमेटी का मंथन, बैठक के लिए हिमाचल भवन पहुंचे नेता। सब कमेटी में अजय माकन, टीएस सिंहदेव, मधुसूदन मिस्त्री, दीपक बाबरिया शामिल हैं। कुमारी शैलजा सब कमेटी की बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद हैं। बड़ी जानकारी, पेंडिंग सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस सब कमेटी की बैठक जारी है। हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस की जो पहली सूची है वो जारी की जा सकती है। तो दिल्ली के हिमाचल भवन में ये बैठक हो रही है। पेंडिंग सीटों पर सब कमेटी का मंथन चल रहा है। बैठक के लिए हिमाचल भवन पहुंचे हैं नेता। सब कमेटी में अजय माकन, प्रिया सिंहदेव, मधुसूदन मिस्त्री, दीपक बाबरिया शामिल हैं। कुमारी शैलजा सब कमेटी की बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद हैं। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चुनावी मोड में नजर आ रही है, इसलिए लगातार टिकटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। अब जो बाकी की टिकटें बची हुई हैं, यानी कि जो सीटें बची हुई हैं, उन पर लगातार मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार जिन्हें टिकट मिलने की संभावनाएं जो है नजर आ रही है, एनआईटी फरदाबाद से नीरज शर्मा को टिकट मिल सकती है, रोहतक से बीबी बत्रा को टिकट मिल सकती है, नूह से आफताब अहमद, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, नूह से आफताब अहमद, तो उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा, बड़कल से विजय प्रताप सिंह, डब्बाली से अमित सिहाग, फिरोजपुर झिरका से मामन खान, तिगाम से ललित नागर, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र हुडा, कलानौर से शकुंतला खटक, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, बिजराना से बलवीर वाल्मीकि, और दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, कांग्रेस सब कमेटी की बैठक जारी है, पेंडिंग सीटों पर मंथन किया जा रहा है, क्या चल रहा है इस मीटिंग में अभी? बिल्कुल, देखिए, सब कमेटी की बैठक जारी है। इस बैठक की अगर बात की जाए तो देखिए, जिग्नेश मेवानी, अजय माकन, इसके अलावा टीएस सिंहदेव, दीपक दावरिया सदस्य है, ये चारों इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुडा नेता प्रतिपक्ष, इसके अलावा अध्यक्ष उदय भान, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला सभी इस बैठक में मौजूद है। 31 सीटें हैं जिसे लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जा रहे हैं। वो सीटें जिस पर सीईसी की बैठक में सहमति नहीं बन पाई, वही देखिए गठबंधन को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, सीपीआईएम की बात करें, या फिर समाजवादी पार्टी की हम बात करें, तो लगातार चर्चा जारी है। बैठक को शुरू में काफी समय हो गया, अभी भी ये बैठक जारी है। जी बिल्कुल, अपराजिता, देखिए, पेंडिंग सीटों पर लगातार मंथन किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से जानकारी भी आप लगातार दे रही थी सुबह से कि 59 सीटों पर लगभग नाम जो है वो तय माने जा रहे हैं, अब 31 सीटों पर बात जो है वो जल्द से जल्द बन जाए, क्या इस मीटिंग के बाद पहली सूची जारी की जा सकती है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि कुमारी शैलजा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, तो कोई और भी रणनीति इसमें, कुछ और चीज नई निकल कर आ सकती है क्या? देखिए, अगर सबसे पहले सूची की बात करते हैं, हालांकि इसके लिए अभी स्पष्टीकरण ये थोड़ी देर बाद मिलती हुई नजर आएगी जैसे ये बैठक समाप्त हो जाएगी। हालांकि कहा जा रहा था कि आज ये सूची जारी कर दी जाएगी, हालांकि इस तरह की सूचना सामने आ रही है कि आज संभवतः कांग्रेस की लिस्ट को लेकर के इंतजार करना होगा। मुझे स्पष्ट तरीके से अभी से थोड़ी देर बाद चीजें क्लियर हो जाएगी, जैसे ही तमाम नेता बैठक से बाहर निकलेंगे तो जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल, अगर रणनीतियों की बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि सभी नेताओं को एक साथ जोड़ करके सभी की बातें यहाँ पर बेहतर जो भी निर्णय है वो लिया जाए, ताकि किसी से भी पक्षपात करें, या किसी की बात अनसुन करने के लिए आरोप ना लगे, तो सभी की बात साथ में रख करके आगे बढ़ती हुई कांग्रेस दिख रही है। तो बिल्कुल रणनीति की अगर हम बात करते हैं तो उसके गठबंधन को लेकर के किया जाए या फिर कैंडिडेट को लेकर किया जाए, तो तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन किए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे।